हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल स्टैप के बारे में। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि जब भी किसी पार्टिकल पर एक ऐसा फोर्स फील्ड काम कर रहा हो जो कि एक लिमिटेड रीजन के अलावा और सभी रीजन्स पर जीरो होता है, तो उसको हम पोटेंशियल स्टैप कहते हैं। पोटेंशियल स्टैप को हम हिंदी में विभव सीढ़ी कहते हैं। अगर हमें इसकी दूसरे शब्दों में डेफिनेशन प्रेजेंट करनी होगी तो हम यह कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल पर एक्टिंग एक ऐसा फोर्स फील्ड जिसके कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हमने मेनली इनको दो रीजंस में डिवाइड किया है, उसको हम पोटेंशियल स्टैप कहते हैं। देखिए, अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियल स्टैप मींस विभव सीढ़ी। तो देखिए, विभव सीढ़ी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जहां मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिस हाइलाइटेड एरिया को, वो एक कैसी शेप हमें मिल रही है यहाँ पे, उसकी एक स्टैप की शेप, स्टैप जैसी शेप मिल रही है जो कि एक सीढ़ी की शेप होती है। तो इस प्रकार के हम रीजन के लिए क्या कह रहे हैं कि इस रीजन में कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो वो एक ऐसे फोर्स फील्ड या पोटेंशियल एरिया में मोशन कर रहा है जिसके एक पर्टिकुलर रीजन के अलावा सभी रीजंस में उसकी v की वैल्यू जीरो होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको दो रीजंस में डिवाइड किया है। यहाँ दिस इज द ओरिजन एंड दिस इज द x डायरेक्शन। हम यहाँ वन डायमेंशन केस की बात कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो उस केस में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू v नॉट के इक्वल है, और जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो उस केस में पोटेंशियल यानी कि v x की वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो हमारे पास में यहाँ पे दो रीजन अवेलेबल हो गए, और हम क्या कह रहे हैं कि इस रीजन के अलावा यानी कि x इज ग्रेटर देन जीरो जीरो के अलावा सभी रीजन में पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल क्या है, दैट इज वी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो उस टाइप के हम इस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल स्टैप कहते हैं। अब जब हमें यहाँ पे इस पोटेंशियल स्टैप को हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया है, तो हमने इसको दो रीजंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट रीजन में हमने यह कहा है वी एक्स इज इक्वल टू द जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और रीजन टू में हमने डिफाइन किया है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, उस केस में वी एक्स इज इक्वल टू द वी नॉट, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल स्टैप। अब हम यहाँ पे इस केस में हम दो केसेस को कंसीडर करेंगे कि जो पार्टिकल जिसका मास m है वो इस रीजन में मोशन करता है, तो उसके लिए दो केसेस हो सकते हैं कि पार्टिकल की जो एनर्जी है, जो ये पोटेंशियल स्टैप है जिसकी हाइट अगर हम पोटेंशियल के टर्म में देख रहे हैं तो v नॉट के इक्वल है। सो जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी या तो v नॉट से कम हो सकती है या फिर v नॉट से ज्यादा हो सकती है। अब क्योंकि हम यहाँ क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल मोशन करेगा तो उस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव के लिए हम यहाँ वेव फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, साथ ही हम यहाँ पे उसके लिए ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी की हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे वन बाय वन दोनों केसेस को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ई इज लेस देन वी नॉट और ई इज ग्रेटर देन वी नॉट के लिए हम बात करेंगे। सो हमारा मेन टारगेट इन दोनों केसेस के लिए साई को फाइंड आउट करना होगा, और हमें यह देखना है कि जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम होती है तब क्या पार्टिकल इस सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट हो सकता है, और जब पार्टिकल की एनर्जी इस वी नॉट से ज्यादा होती है, इट मीन्स ई इज ग्रेटर देन वी नॉट होता है, सो उस केस में क्या पार्टिकल पूरी तरीके से सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट हो जाता है या उसके रिफ्लेक्ट होने के यानी कि उसके वापस से रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट रीजन में आने के कुछ चांसेस होते हैं क्या, इनके बारे में हम आगे यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो उस केस में साय एक्स टी को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, साय एक्स टी विल बी इक्वल टू द साय एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर साई एक्स। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन सेज दैट डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स
इनटू दी साइन एक्स इज इक्वल्स टू दी जीरो। हम यहाँ पे क्योंकि वन डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं और यह अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब हम यहाँ पे इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को दो केसेस के लिए सॉल्व करेंगे एंड दोज टू केसेस आर व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट एंड ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द केस फॉर विच ई इज लेस देन वी नॉट। सो इस केस में हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल जो यहाँ से फर्स्ट रीजन से आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो वी नॉट के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। सो अब देखिए, इसके लिए हमने ये केस तो कंसीडर कर लिया कि ई इज लेस देन वी नॉट है, बट हमारे पास में अब क्योंकि दो रीजंस है, रीजन फर्स्ट है और रीजन टू है, तो हम इन दोनों रीजंस के लिए, क्योंकि वी एक्स की वैल्यू इस रीजन के लिए जीरो है और सेकंड रीजन के लिए वी नॉट के इक्वल है, सो इस केस में हम इन दोनों रीजंस के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पहले दोनों रीजंस के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना होगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन फर्स्ट इन विच x is less than 0, Schrodinger equation will take the form as d2 psi 1. अब यहाँ पे मैंने psi के नीचे subscript में first लिखा है Roman number में. It is representing the wave function of the particle moving in the region 1. So d2 psi 1 over dx square plus 2m upon h cross square e psi 1 x will be equal to the 0. And for the second reason for which x is greater than 0, d2 psi 2 over dx square plus 2m upon h cross square e minus p naught psi 2x will be equal to the 0. Here, I have already told you that psi 1 and psi 2 are the wave function in the region first and region second. But now we are assuming that the energy of the particle is constant. So, in this case, हम जानते हैं कि पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, एच क्रॉस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। सो हम यहाँ इस कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नए कांस्टेंट पैरामीटर से रिड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज द के स्क्वायर। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू द 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सिंप्लीफाइंग दैट वी विल गेट दैट के इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। बट when we are talking for the reason second that lies for x is greater than 0, we can see here that we are getting an expression of the 2m upon h cross square e minus v naught. So second reason, when we are talking about the second reason, in that case we have considered that alpha square is equals to the 2m upon h cross square v naught minus e. Now you can see here as we are considering the case of the E is less than V naught. It means हम ये assume कर रहे हैं कि जो particle first region में आ रहा है उसकी energy की value V naught से कम है। अब देखिए, जब हम इस expression में ये कहते हैं कि E की value कम है और V naught की value ज़्यादा है, तो उस केस में यह हमारी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी। सो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले अल्फा स्क्वायर को कंसीडर किया है, क्योंकि हमारे वी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं दैट अंडर रूट ऑफ द 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस e एज e इज लेस देन वी नॉट। सो जब हमने इक्वेशन नंबर 3 के इन अजम्पशंस को हमने ऊपर वाली मेंशन दोनों इक्वेशंस में पुट किया, then we will get equation number 4 and equation number 5 as d2 psi 1 over dx square plus k square psi 1 x equals to the 0 and d2 psi 2 over dx square minus. अब देखिए, यहाँ पे minus sign common लेके इसको लिख सकते हैं, minus of the 2m upon h cross square v not minus e, वही expression रहेगा हमारा। सो हमने इसको इसी तरह लिखा, minus 2m upon h cross square v not minus e, तो माइनस आ गया और 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e की जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर। सो d2 psi 2 ओवर dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर psi 2x इक्वल्स टू दी 0। सो इस प्रकार से हमें फर्स्ट केस, इट मींस e इज लेस देन v नॉट के लिए रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए हमें दो श्रोडिंगर इक्वेशन का हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए, देन वी विल गेट अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर साई वन एंड साई टू। सो नाउ वी विल बी डिराइविंग दैट एक्सप्रेशन फॉर बोथ द इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5।
अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो हम इनके सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन से हमें साई 1 की वैल्यू मिलेगी, सो साई 1 एक्स इज इक्वल टू द ए रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन थी फर्स्ट रीजन के लिए फोर्थ इक्वेशन थी और दैट वॉज द केस ऑफ आवर एक्स इज लेस देन जीरो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वी विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं साई 2 एक्स दैट इज इक्वल टू द सी e raised to the power alpha x plus d e raised to the power minus alpha x। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के लिए हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7 के टर्म में। अब हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे a b c और d, ये जो चार कॉन्स्टेंट्स हमें मिल रहे हैं इनको हम इवेल्युएट करना है, और इन कॉन्स्टेंट को हम इवेल्युएट करेंगे कॉन्टिन्यूटी और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो साई है वेव फंक्शन है ये सम बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करता है, इट मींस साई और डेल साई ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए साथ ही कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। सो हम यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को यूज में लेते हुए इन चार पैरामीटर्स की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी E V नॉट से कम है, इट मीन्स E इज लेस देन V नॉट। अगर हम यह कह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से कम है, तो देखिए जब हम इसको डायग्राम से स्टडी करते हैं हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इस हाइट को पार करके सेकेंड रीजन में पहुंच सके। अब देखिए हम यहाँ पे चार टर्म्स, आप यहाँ इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास में चार टर्म्स आई है, दैट इज अ ए रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, अब देखिए प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स क्या शो कर रहा है, ये वाली जो टर्म है ए रेज टू द पावर प्लस आयोटा एक्स क्या शो कर रहा है, यहां से जो पार्टिकल आ रहा है उसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसमिशन, और प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, माइनस आयोटा के एक्स शो कर रहा है पार्टिकल का वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे टर्म है हमारे पास में सी रेज टू द पावर अल्फा एक्स, सी रेज टू द पावर अल्फा एक्स शो कर रहा है पार्टिकल का सेकेंड रीजन में ट्रांसमिशन, और डी रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स शो कर रहा है पार्टिकल का वापस से परावर्तन फर्स्ट रीजन में। अब क्योंकि हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम है, तो हम यह कह सकते हैं कि पार्टिकल तो सेकेंड रीजन में पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सेकेंड रीजन में पहुंच जाए। सो उस केस में हम यह कह रहे हैं कि पार्टिकल अगर सेकेंड रीजन में नहीं पहुंच सकता है सो उसका मीनिंग यह है कि सी रेज टू द पावर अल्फा एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो जब हमने यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलती है जिसमें हमने क्या करा, सी को जीरो माना क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल का पॉसिबल ही नहीं है सेकेंड रीजन में पहुंचना क्योंकि उसकी एनर्जी वी नॉट से कम है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बताया है कि ए रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स क्या शो कर रहा है कि जब कोई पार्टिकल राइट साइड में मोशन कर रहा है, बी रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स क्या शो कर रहा है कि जब कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी और फाइनाइट की कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें हम, अब क्योंकि देखिए हमारे पास में यहाँ पे हमने जब भी बाउंड्री कंडीशन इस टाइप की अप्लाई करनी होती है तो हम वो बाउंड्री कंडीशन हमेशा उस रीजन पर अप्लाई करते हैं या उस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं जहां पर दो रीजन मिलते हैं। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं दिस इज अ रीजन वन, जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो उसको हम फर्स्ट रीजन कह रहे हैं, और जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है उसको हम सेकेंड रीजन कह रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है जिस पॉइंट पे रीजन फर्स्ट और रीजन सेकेंड दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, को इनसाइड कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, ओरिजन। सो जब भी ऐसे हमारे पास में केस होते हैं और हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी होती है सो बाउंड्री कंडीशन हम हमेशा उस पॉइंट पे लगाते हैं जब दो रीजन एक दूसरे से एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हमारे पास में पॉइंट क्या हो गया, ओरिजन। सो देखिए अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाई है एक्स इज इक्वल टू द जीरो पे, और ये कह रहे हैं कि साई एक्स और डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस होने का मतलब
क्योंकि अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों रीजंस मिल रहे हैं, दोनों रीजंस के मिलने का मतलब कि ओरिजिन पर साई वन और साई टू दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रीजन बन रहा है, और साथ ही डेल साई वन ओवर डेल एक्स और डेल साई टू ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी इस पॉइंट पे मींस ओरिजिन पर इक्वल होनी चाहिए, दैट इज नोन एज ए बाउंड्री कंडीशन। सो जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो एक हमने लिखा है दैट साई वन और साई टू बोथ शुड बी इक्वल एट द एक्स इक्वल्स टू द जीरो। सो जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 में लगाया, तो देखिए हम यहाँ पे रख सकते हैं x की जगह हमने 0 रखा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये 0, दैट विल बी द a प्लस b बराबर d मिलेगा। उसी प्रकार से हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई किया कि डेल साई वन ओवर डेल एक्स शुड बी इक्वल टू दी डेल साई टू ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू दी जीरो। जब हमने इस कंडीशन में इनकी वैल्यू पुट करी तो हमें एक इक्वेशन मिलती है आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी दैट इज इक्वल टू दी माइनस अल्फा डी। हमने यहाँ पे इन इक्वेशंस को रीअरेंज किया है, दैट इज आयोटा के इंटू दी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू दी माइनस अल्फा इंटू दी डी। रीअरेंज करने पे अब देखिए हमारा यहाँ पे टारगेट क्या था, हमारे पास में दो इक्वेशन आइए, एक आई इक्वेशन नंबर 10 और एक इक्वेशन नंबर 12 है। इन दोनों इक्वेशन को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी और डी की हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 12 ए में हमें ए माइनस बी मिल रहा है और इक्वेशन नंबर 10 में ए प्लस बी मिल रहा है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2a, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है डी प्लस आयोटा अल्फा डी अपॉन के। फर्दर हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं 2a की वैल्यू मिलेगी डी इंटू दी के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के, इसको हम डी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सो हमने यहाँ डी को ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, हम यहाँ पे हमारा एफर्ट ये रहेगा कि हम ए की फॉर्म में और दूसरे कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करें। सो डी की हमें वैल्यू मिलती है 2 ए के अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। अभी हमने इनका एडिशन किया, आगे हम इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ऊपर इन दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन किया, जब हमने इनका सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आती है दैट इज 2b इज इक्वल टू द d इनटू द k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k। अभी मैंने क्या कहा था, हमने एक लाइन को हमने फॉलो कर रहे हैं और वो लाइन क्या है कि हमारे जो b और d पैरामीटर्स है हमें उनको एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने d को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो उसी केस में हमने यहाँ पे b को भी एक ही टर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा साई वन का फॉर्मूला क्या था, ए रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर बी की वैल्यू को एक ही टर्म में निकाला है, सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 14 से हमने बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमें साई वन की वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 15। फर्दर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द साई टू दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन विच इज एसोसिएटेड फॉर द मूविंग पार्टिकल इन द सेकेंड रीजन साई 2x दैट इज गिवन बाय द d इनटू द e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x व्हिच इज इक्वल टू द a इनटू द 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x। फर्दर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ दिस टॉपिक दैट इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता धारा घनत्व। देखिए प्रोबेबिलिटी की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, बट अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के आगे टर्म को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होती है एक टाइप से प्रोबेबिलिटी के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कि किसी भी रीजन से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में होने वाले प्रोबेबिलिटी के चेंजेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और उसको हमने नाम दिया है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को हम लिखते हैं जे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन एज एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई वन, क्योंकि अब देखिए अभी हम यहाँ पे दोनों रीजन के लिए निकाल सकते हैं, पहले हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई वन ओवर डेल एक्स माइनस साई आई डेल साई वन ओवर डेल एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब क्योंकि हमारे पास में साई वन की वैल्यू है दैट इज ए रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में साई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो साई वन का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे डेल साई और डेल एक्स को वैल्यू इवैल्यूएट करके हमने इस इक्वेशन में रखा, इनके प्रोडक्ट्स को जब हमने ओपन किया सॉल्व करा
तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं और फाइनल हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है जे एक्स के लिए, दैट इज द एच क्रॉस के अपॉन टू आयोटा एम ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच क्रॉस के इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व का मान होगा एक्स दिशा में पी अपॉन एम ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने बात की थी क्योंकि हम यहाँ पे अभी फर्स्ट केस के लिए कन्फाइंड है और जिसमें हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी ई पोटेंशियल की हाई वी नॉट से कम है। ठीक है, तो देखिए क्लासिकली क्या कहता है, क्लासिकली ये कहता है कि पार्टिकल को वापस आ जाना चाहिए, वो सेकेंड रीजन में मूव नहीं कर सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे उसके लिए अब रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इवेल्युएट कर रहे हैं, परावर्तन गुणांक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। परावर्तन गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से और इसका फॉर्मूला दिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट करंट, कि परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता डिवाइडेड बाय आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता। अब हम यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मींस प्रायिकता धारा घनत्व के फॉर्मूला से हम ये नोट आउट कर सकते हैं। देखिए पी अपॉन एम है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, किसको रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट वेव को, और मॉड ऑफ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था रिफ्लेक्शन जो कि माइनस एक्स डायरेक्शन में हैपन हो रहे थे। सो यहां से जब हमें रिफ्लेक्टेड वेव को निकालना होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव का रिजल्ट क्या होगा पी अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और इंसिडेंट वेव का क्या होगा पी अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है तो r की वैल्यू हमें मिलती है मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर से। अब अभी हमने ऊपर b की वैल्यू को a के टर्म्स में निकाला था, तो हमने जब यहाँ पे b की वैल्यू को a के टर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास में रिफ्लेक्शन कोफिशियंट r के लिए फॉर्मूला आता है दैट इज द मॉड ऑफ k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी मॉड है, मॉड का मतलब क्या होता है एक बार हमें मिलेगा k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम क्या लिखेंगे k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा दैट विल बी इक्वल टू दी वन। इसी प्रकार से ये तो अभी हमने फर्स्ट रीजन के लिए निकाला, इसी प्रकार से जब हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं तो उस केस में साई टू की वैल्यू निकलेगी डी ई रेशियो माइनस अल्फा एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी। सो उस केस में हम यह कह रहे हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम होती है इसका मतलब यह होता है कि वी नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी और गिवन एनर्जी के लिए साई टू की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। सो अभी हमने यहाँ पे जो ई इज लेस देन वी नॉट के लिए केस कंसीडर किया है और जहां हमें पी एक्स की वैल्यू हमें सेकेंड रीजन के लिए कुछ ना कुछ हमें मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि जब E की वैल्यू V नॉट से कम है तब हमें उस केस में पार्टिकल के सेकेंड रीजन में पहुंचने की भी कुछ ना कुछ यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल V नॉट हाइट के पोटेंशियल स्टैप पर इंसिडेंट होता है तो उस केस में पार्टिकल के एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन सेकेंड रीजन में पार्टिकल के ट्रांसमिट होने की कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल के सेकेंड रीजन में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। सो दिस इज द मेन आउटकम विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पोटेंशियल स्टैप के लिए फर्स्ट केस को स्टडी किया है दैट इज द ई इज लेस देन वी नॉट। अपकमिंग वीडियो में हम इसके सेकेंड केस को स्टडी करेंगे दैट इज ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। थैंक यू सो मच।